पंचायत सर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे देश की सर्वोच्च सदन में बोलने का अवसर दिया। माननीयवर, यह मेरा पहला अवसर है। मेडन है क्या? मेडन नहीं? हाँ हाँ, मेडन। श्रीमान जी, पहली बार मेरा भाषण है, 15 मिनट सुरमा दें हुक्म। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमान जी, सदन में मेरी आयु मात्र 2 महीने की है। यह कह दूं कि शिशु काल मेरा चल रहा है। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखूंगा, साथ ही मेरे सदन के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और समर्थन आशीर्वाद भी चाहूंगा। मैं अपने बात को शुरू करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से हमारे इस महान देश की जागरूक जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने भारत को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी को उदार हृदय से आशीर्वाद दिया। मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद स्पष्ट बहुमत किसी एक दल को मिला है। माननीयवर, धन्यवाद देना चाहूंगा देश के जन जन के नेता और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी सहित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी व उनके प्रदेश के हमारे नेतृत्व को, जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिला जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा का सदस्य बनाकर यहां पर भेजा है। माननीयवर सभापति महोदय, मैं पेशे से वकील हूं, इसीलिए नियम नियमावलियां पढ़ने का मेरा स्वाभाविक मेरी रुचि है। मैं ठीक प्रकार से उसका अध्ययन भी मैंने किया है। मैं लगातार इस गरिमामय सदन में हो रही सारगर्भित चर्चा को सुन रहा हूं, समझ भी रहा हूं। माननीयवर, एक दिन सदन में ऐसे विषय पर चर्चा हुई, उस समय मेरे मन मस्तिष्क में कुछ विचार आए, मैं आपकी अनुमति से वो विचार आज प्रकट करना चाहूंगा। चर्चा चल रही थी कि सपने देखने चाहिए या नहीं। यह मेरी ऐसी मान्यता है कि इस गरिमामय सदन के माध्यम से सपने नहीं देखने का संदेश इस देश के अंदर जाएगा तो मेरी ऐसी मान्यता है कि युवा वर्ग के साथ भारी अन्याय होगा। देश में युवा वर्ग इस आशा के साथ सपने देखता है। माननीय महोदय, इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा। मैंने ऐसा सुना था कि आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सन 1975 में इस देश के में जब आपातकाल की भारी त्रासदी का दौर गुजर रहा था, उस समय के युवा नरेंद्र भाई मोदी ने एक सपना देखा था। वह सपना देखने के बाद लक्ष्य तय किया था और वह सपना देख के एक विचार भी मन में किया था कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग है हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। वह सपना क्या था सभापति महोदय? वह लक्ष्य क्या था? वह सपना था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत, वह सपना साकार हुआ और लक्ष्य प्राप्त हुआ। सन 1914 के लोकसभा चुनाव में माननीय सभापति महोदय, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के युवाओं को कहा है
देश के युवाओं को कहा है, सपने देखो, लक्ष्य तय करो, परिश्रम की पराकाष्ठ करो, सपना साकार होगा। बोलने दी माननीय सभापति महोदय, परेशानी तब होती है, परेशानी तब होती है जब हम मुंगेरी लाल की तरह सपने देखने लग जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, देश में मैं और मेरा इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का अंत हो चुका है। दौर चला है अब हम और हमारा, ऐसा दौर शुरू हो चुका है। इसी विचार को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने चुनाव के दौरान एक स्लोगन के नाते, एक नारे के रूप में जनता के सामने रखा। वह नारा था सबका साथ और सबका विकास। उस नारे को जनता ने समर्थन दिया, जनता का आशीर्वाद बना। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देखा है, देश में ही नहीं विदेश में भी सबको साथ लेकर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प का दौर चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अब ग्राम मंत्रालय की कार्यकारिणी की चर्चा पर आ रहा हूँ। साइलेंस प्लीज। आपके माध्यम से मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने देश की ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014-15 के आम बजट में गृह मंत्रालय को 65,775 करोड़ रुपए आवंटित करवाए हैं, जो पिछली साल के आवंटन से 6,504 करोड़ रुपए अधिक है। माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के मांग क्रमांक 55 जो अति महत्वपूर्ण मद है उस पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसका हेड है पुलिस, जिसका सीधा संबंध है देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से। पुलिस में विभिन्न नाम से दल बल और ब्यूरो होते हैं, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा गार्ड, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल सहित उनकी कुल 18 शाखाएं हैं। इसमें कुल 41,152.80 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट सत्र 2014-15 में किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2,971.88 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने देश में पुलिस तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु कदम बढ़ाया है, ताकि देश के नागरिक सुख शांति और अमन चैन की जिंदगी बसर कर सके। दूसरा विषय आता है सीमा प्रबंधन। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में पड़ोसी देशों के साथ भू सीमा की लंबाई कुल 15,106.7 किलोमीटर की है, जिसमें से विशेषकर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सीमा प्रबंधन को अत्यधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या आज भी हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़ी है, उसका सामयिक समाधान भी ढूंढना होगा। माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत पाकिस्तान सीमा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान की सीमा कुल 4 राज्यों में लगती है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, जिसकी कुल लंबाई 2,308 किलोमीटर है। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान से मैं आता हूं, मेरे प्रदेश की 1,037 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और मेरे पड़ोसी राज्य पंजाब की 553 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। जहां तक सीमा पार से घुसपैठ का सवाल है, इन दोनों राज्यों के सीमा पार से घुसपैठ पर काफी हद तक रोक लगी है। लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या सीमा पार से हमारे सामने खड़ी है, जिसमें मैं आतंकवादी घुसपैठियों से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं। वह समस्या है सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी। मान्यवर,
गत वर्षों में गृह मंत्रालय में नशीले पदार्थों की जब्ती की जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताते हैं कि किस कदर नशीले पदार्थों की तस्करी हमारे देश में होती है, जिसमें गांजा कोकीन हीरोज हशीश जिसको हम इसके स्मैक भी कहते हैं अफीम और डोडा इत्यादि शामिल है। ये युवाओं का देश है माननीय मंत्री महोदय, युवाओं का कहलाने वाला ये भारत देश, भारत पर जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। हमारे देश का युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आ चुका है, केवल शहरों में ही नहीं, मैं गांव का रहने वाला हूं, शहरों से ही नहीं गांवों तक नशीले पदार्थों की पहुंच होने लगी है। हमारे देश का बहुत बड़ा युवा वर्ग नशीले पदार्थों का सेवन कर अपने स्वास्थ्य को कमजोर कर ही रहा है, साथ ही देश में बेरोजगारी की मार के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर भी बढ़ रहा है। देश में लगातार बढ़ रहे अपराध, चाहे चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हत्या हो, यदि अपराधी की जांच करवाई जाए तो उसमें से अधिकतर अपराधी किसी न किसी नशे की लत से ग्रसित निकलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग में कोई ठोस कार्य योजना बनाकर सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाए। मैंने गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है, 2013-14 की रिपोर्ट को देखने से साफ लिखता है, भारत माता का मुकुट कहा जाने वाला हमारा जम्मू कश्मीर, जिस प्रकार कश्मीर घाटी में पिछले दस वर्षों में सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवादी हिंसा की घटनाएं जो हुई है, उसका एकमात्र कारण यदि कोई है तो वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अरे सन 2005 से लेकर मार्च 2014 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की कुल 7,220 घटनाएं हो गई। भारत माता के सपूत 776 सुरक्षा बली जवान शहीद हो गए। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को 2 मिनट में पूरा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस आतंकवादी हिंसक घटनाओं में 1,378 नागरिक मारे गए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सुरक्षा की स्थिति का अंतरराष्ट्रीय सीमा और सीमा पार से नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। पिछले 10 वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर में 3,818 बार घुसपैठ के प्रयास किए जा चुके हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण कर सीमा पर तैनात हमारे नौजवानों को सिंहनाद करने की अनुमति दीजिए, ताकि सीमा पार से घुसपैठ व आतंकवादी हिंसक घटनाओं पर विराम लग सके। एक विनम्र निवेदन माननीय गृह मंत्री महोदय से करना चाहूंगा, माननीयवर आपके गृह मंत्रालय में वार्षिक रिपोर्ट को देखेंगे 2013-14 के पृष्ठ संख्या 6 पर, मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक गौर करें माननीयवर, 2013-14 की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है पृष्ठ संख्या 6 पर, ऐसे मेरे जवान, ऐसे भारत माता के लाडले आतंकवादियों से लड़ते हुए झगड़ते हुए शहीद जब हो जाते हैं तो उनके लिए लिखा गया है, मारे गए सेना के बलि, आतंकवादियों के लिए मारे गए, सैनिकों के लिए मारे गए। तो मेरा निवेदन है श्रीमान गृह मंत्री महोदय से कि वहां से मारे गए शब्द को हटाकर और शहादत देने वाले उस जवानों के आगे शहीद हुए सेना कर्मचारी इस शब्द को जोड़ने का आदेश फरमावे। माननीय सभापति महोदय, सीमा प्रबंधन के संबंध में मैंने अभी चर्चा की है, मांग पत्र के क्रमांक 55 में कॉलम संख्या 3 पर सीमा प्रबंधन के बारे में कई ऐसे पहली बार व्यवस्था की गई है, और तो और कुल मिलाकर 2,150 करोड़ रुपये का प्रावधान आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। साथ ही क्रम संख्या 36 पर पुलिस बल व अन्य आधुनिकरण हेतु पहली बार 117 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम हेतु प्रथम बार 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक अंतिम बात कहकर मैं मेरी बात को पूर्ण करना चाहूंगा। श्रीमान जी, मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं, तो मैं मेरी मांग को श्रीमान जी के सामने रखकर और मेरी बात को पूरा करूंगा। मेरी ऐसी मान्यता है इस सदन के अंदर करोड़ों करोड़ों और मेरे राजस्थान के वासी बरसों पुरानी एक जायज मांग को लेकर लगातार उठा रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आप निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई करवाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस समय सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 5,47,79,000 है, जो हमारी सूची मान्यता प्राप्त सूची है। उसके अंदर कम से कम 17 ऐसी भाषाएं हैं, उससे अधिक राजस्थानी बोलने वालों की और संख्या हमारी है। दूसरा निवेदन और करूंगा, मैं ये मांग पहली बार यहां रख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पूर्व 2 वर्ष पूर्व 17 मई 2012 को तत्कालीन गृह मंत्री जी ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में स्पष्ट कहा था कि हम राजस्थानी मानसून सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित कर देंगे। आदरणीय आपसे निवेदन कर दूं, राजस्थान की विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके और यहां पर केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, तो मेरा आग्रह है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने में आप सहयोग करेंगे। एक लास्ट 2 पंक्ति कहने का मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। मेरा ऐसा मत है कि सदन के अंदर जितने भी मेरे मान्य सदस्य विराजमान हैं, चाहे मेरे इधर बैठे हो, चाहे उधर हो, चाहे बीच में विराजमान हैं, अगर इन सब से ये पूछा जाए, अगर किसी धार्मिक अध्यात्म व्यक्ति के पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो वो एक ही बात कहेगा कि मोक्ष प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। अगर राजनीतिज्ञों को पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, तो सबका लक्ष्य एक ही मात्र होगा, सब कहेंगे कि देश का विकास हो और तो और भारत सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। तो सारे मिलकर आज ये संकल्प रहे, 4 लाइनें कहना चाहूंगा, भारत माता के लिए, भारत माता का विकास हो, देश का विकास हो, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा अमर रहे मां, हम निर्जार रहे न रहे, भारत माता की जय।